आदाब। आज हम बनाने वाले हैं आलू अंडे अरबी स्टाइल में। आलू अंडे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे 5 अंडे हैं जो हमने इनको उबाल लिया है और छील भी लिया है, और ये रहे हमारे 5 या 6 आलू, और ये भी हमने उबाल लिए हैं और छील लिए हैं, और ये उबले हुए इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि यूं हाथ से दबाएं और ये हमारा चूरा हो जाए, इतने गले हुए होने चाहिए ये आलू। तो हमने ये आलू उबाल लिए हैं और अंडे भी उबाल लिए। इसके अलावा जो है हमारे ये मसाले हैं, ये हमारे 2 टमाटर हैं जो हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से क्या होता है, टमाटर कद्दूकस करते टाइम जब हम कद्दूकस करते हैं तो वो छिलका भी हट जाता है इससे, और ये हमें बढ़िया सा फल मिलता है जो बहुत ही अच्छा जायका देता है। तो ये हमारा टमाटर है, और ये हमारा 2 टीस्पून जो है तो दही है, और ये 1 टीस्पून हमारी लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसके अलावा हमारा ये मिर्च और धनिया और हल्दी पाउडर है, ये हमारे 3 मसाले इसमें जाने वाले हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 टीस्पून जो है ये ज़ीरा छोंकने के लिए, बस हमारे यही मसाले जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। और इसके अलावा मेन हमें क्या डालने हैं, ये 1/2 टीस्पून ये हमारा कैमलाइज अनियन है, ये जो है हमें अपने मसाला बनाते समय हमें ये मसाले में डालना है। ये गया हमारे मसाले के अंदर, ये बना रहे हैं हम अपना मसाला, और गार्निशिंग के लिए हमें यही चाहिए बस, हरी मिर्च और हरा धनिया और कुछ नहीं। और ये हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ये हमारी हल्दी, और ये थोड़ा सा हमारा 1/2 टीस्पून धनिया, और थोड़ी सी कम ही मिर्चें। ये हो गए हमारे 3 मसाले, और हमें ज़रा सा चाहिए ज़ीरा छोंकने के लिए। आए हम बनाते हैं इसको। ये हमने डाल लिया अपना कद्दूकस किया हुआ टमाटर, इसमें से 1/2 हम डालेंगे आलू के साथ। मसाले में जो टमाटर जाएगा उसका जायका अलग आएगा, और आलू के साथ जो जाएगा उसका जायका अलग आएगा। ये रिया हमारा तेल। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये डाले हमने इसमें अंडे, हम इनको फ्राई करते हैं। ये फ्राई करने से बहुत ही अच्छे दिखेंगे। ये देखिए हमारे अंडे जो हमें चाहिए थे ना, एकदम गोल्डन कलर के वैसे हो गए हैं। अंडों को ज्यादा नहीं उबालना है, हमने अंडे जब उबाले थे तो इसमें एक उबाल आने के बाद हमने इनको ढक के छोड़ दिया था, ये अपनी स्टीम में पकते रहे। बहुत ज्यादा अंडे उबालने से क्या होता है, उसकी जर्दी काली हो जाती है, वो अंडा फायदा देने की बजाय नुकसान देता है। हमारी जर्दी अंडा उबालते समय कभी भी हमारी जर्दी काली नहीं होनी चाहिए, जर्दी ब्लैक हो जाए तो अंडा फौरन फेंक देना चाहिए। अब हम ये छोंकते हैं अपने, ये रहा, ये गया सबसे पहले हमारा इसमें 1/4 स्पून जीरा, ये गया। जैसे ही हमारा जीरा चटका, हम डालते हैं ये अपना मसाला जो हमने दही और मिर्च धनिया और कैरामलाइज प्याज के साथ है, ये गया हमारा इसके अंदर मसाला। हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये जो हमारा बड़ा चमचा है, इतना पानी डाल के हम इसको भूनते हैं 2 से 3 मिनट। फिर हम डालते हैं इसके अंदर अपने आलू जो हमने हाथ से मसल लिए हैं, और अपना ज़रा सा टमाटर भी जो हमने कद्दूकस किया हुआ है वो आलू के साथ डलेगा। ये देखिए हमारा मसाला एकदम भुन गया है, हमारा तार ऊपर आ गया है, और जो हमने टमाटर डाले थे कद्दूकस करके वो भी गल गए हैं। अब हम डालते हैं इसके अंदर हमारे उबले हुए आलू। ये गए हमारे आलू, और हमने हल्का सा इसको चलाया, सब बढ़िया। अब हम डालते हैं इसके अंदर अपना जायके के मुताबिक अपना नमक, 1/4 टीस्पून ही काफ़ी रहेगा नमक, 5 अंडे हैं और 5 ही हमारे आलू थे। अब हम डालते हैं इसके अंदर ये पानी, और हम ये भी देखते हैं हमें अपना शुरू कितना चाहिए, हमें इसमें शुरुआत ज़्यादा चाहिए, बहुत अच्छा शुरुआत होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। ये गया, और ये जो हमारा थोड़ा सा टमाटर बचा हुआ था ये भी गया अलग से, नमक भी गया। हमें इसमें अभी अंडे नहीं डालने हैं, हम अपने अंडे इसमें डाल देंगे, हमारे अंडे ओवर कुक हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा हम हरे धनिया के साथ अपने अंडे इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे, हमने इसमें पानी वानी सब डाल दिया है, जितना हमें शुरुआत चाहिए था वो भी देखिए हमने इसमें इतना शुरुआत डाल दिया है। अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसमें एक उबाल आने तक पकाना है, ढक के सिर्फ ये एक उबाल आ जाए इसमें।
ये देखिए हमारा, हाँ ये हमारा उबाल आ गया है इसके अंदर। बहुत देर हमें नहीं पकाना है, बस उबाल आते ही आधा मिनट और पका लें। और हमने अपनी आग भी बंद कर दी है, गैस ऑफ कर दिया है। अब हम डालते हैं इसके अंदर, ये गए हमारे अंडे और ये हमने डाला इसके अंदर हरा धनिया और ये हमारे आलू अंडे अरबी स्टाइल में बिल्कुल तैयार हैं। नमक चख लें एक बार और हंडिया में ही डाल दें। नमक आगे डालते हैं सामने डालते हैं वो अच्छा भी नहीं दिखता और वो नुकसान भी देता है। हंडिया हमेशा, नमक हमेशा हंडिया में ही डालें। ये हमारे आलू अंडे बिल्कुल तैयार हैं। अल्लाह हाफिज़।